शिवपुरी शहर के होनहार बेटी नीतू उचारिया ने किया मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षा वर्ग एक में द्वितीय स्थान। परिवार में खुशी का माहौल। शिवपुरी शहर के वार्ड क्रमांक 15 फतेहपुर क्षेत्र के रहने वाले दिनेश उचारिया की पुत्री नीतू उचारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में उच्च माध्यमिक शिक्षा वर्ग एक के एग्जाम में ऐसी कैटेगरी में द्वितीय स्थान प्राप्त करके अपने समाज और परिवार का नाम रोशन किया है। प्रोफेसर बनने के बाद प्रथम आगमन पर उनके परिवार के लोगों ने आतिशबाजी और ढोलताशों के साथ होनहार बिटिया का शानदार तरीके से स्वागत किया। उनके पिता दिनेश उचारिया ने बताया कि नीतू शुरू से ही पढ़ने लिखने में शिवपुरी जिले के फतेहपुर क्षेत्र में शिवपुरी पब्लिक स्कूल से 12वीं कक्षा में बायोलॉजी सब्जेक्ट से CBSE बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करके शिवपुरी पब्लिक स्कूल टॉप किया। उसके बाद आगे की पढ़ाई में बायोलॉजी से BSc कंप्लीट की और जूलॉजी से MSc कंप्लीट करके कंपटीशन की तैयारी के उच्च माध्यमिक शिक्षा वर्ग एक में प्रथम एग्जाम में नीतू ने मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करके अपने समाज परिवार का नाम रोशन किया है। वर्तमान में नीतू की पोस्टिंग खंडवा जिले की पुनासा हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई है। क्या नाम है आपका? नीतू उचारिया। अच्छा नीतू जी, आप ये बताइए, आपने अभी वर्तमान में अभी जो पेपर क्वालिफाई किया है, आपके किस प्रिपरेशन में आई है और कौन सा स्थान आपका आया है? मेरा कैटेगरी वाइज सेकंड रैंक है और मैंने उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक में चयनित हुई हूँ मैं सब्जेक्ट बायोलॉजी के लिए। और मैंने पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया, उसके बाद मैंने मेन एग्ज़ाम दिया और अभी मैं पोस्टिंग हुई है पुनासा खंडवा डिस्ट्रिक्ट में रिचपल हाई गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रिचपल में, और रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है अभी। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई में कैसा क्या योगदान रहा? मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा मेरे लिए और मैंने CBSE स्कूल से पूरा 12th किया है, उसके बाद मैंने BSc किया है बायोलॉजी से, फिर MSc किया है मैंने जूलॉजी से, फिर उसके बाद मैंने BEd किया। देन जब वैकेंसी आई 2023 में तो मैंने पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया, फिर मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया, फिर मेरा पोस्टिंग हुई है। अच्छा, शिवपुरी जिले के फतेहपुर क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 15 में एक शिवपुरी पब्लिक स्कूल है, कुछ समय पहले शायद मैंने सुना है कि आपने शिवपुरी पब्लिक स्कूल भी टॉप किया था। हाँ, मैं हमेशा उसमें फर्स्ट रैंक लाती थी और मैंने वहीं से पढ़ाई की अपनी 12th तक सेंट्रल बोर्ड से CBSE से। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतना मुझे मतलब समझ नहीं थी, लेकिन जब मेरी फैमिली का रिएक्शन देखा तो मुझे उनको देख के खुशी हो रही है। मेरा अचीवमेंट मुझे बहुत कम लगता है, लेकिन जब मैंने उनकी खुशी को देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, उनको खुश देख के खुशी हुई। अच्छा, हम पत्रकार की तरफ से आपको मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच।